हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को आई टू हैड अ लव स्टोरी रिटन बाय रविंद्र सिंह उस नॉवल का रिव्यू देने जा रही हूँ। रविंद्र सिंह ये नॉवल लिखने से पहले कभी भी राइटर बनने के बारे में नहीं सोचे थे, बट उनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उन्होंने ये बात सोच ली कि यस ही विल बिकम अ राइटर एंड नॉट लाइक दैट ही वुड बिकम अ राइटर। उनको जस्ट इमोशंस था और उन्होंने ये नॉवल लिख दी। सो फ्रेंड्स, इट वॉज हीज फर्स्ट नॉवल एंड इट हैज गिव हिम अ ग्रेट नेम एंड फेम एंड आफ्टर दैट ही हैज स्टार्टेड हिज करियर ऑल्सो इन राइटिंग। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ दिस नॉवल। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ दैट कथा मंथन में आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। कथा मंथन के पास ज्वाइन बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करके सारे के सारे चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिए। 199 rupees is for 2 classes in a week and everything is given in details. Please do click the join button and of course study about it. और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ दैट नाटा आर्किटेक्चर और जेई के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ उन्नति की वाणी पे जाइए और उन्नति की वाणी चैनल लिखने के बाद आपको ईच एंड एवरी डिटेल एंड वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है मैंने। एंड सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्ज़ाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आई टू हैड अ लव स्टोरी का रिव्यू। आई टू हैड अ लव स्टोरी वॉज नॉट अ प्लान स्टोरी। उन्होंने ये नॉवल कभी भी प्लान करके नहीं लिखा था कि येस आई विल बिकम अ राइटर एंड आई विल राइट दिस नॉवल एंड इट इज़ नॉट अ फिक्शन बेस्ड नॉवल। येस, ये नॉवल फिक्शन बेस्ड नहीं है। एक्चुअली रविंद्र सिंह की लाइफ में कुछ इतने ट्रैजिक मोमेंट्स हो जाते हैं दैट ही इज़ फोर्स टू राइट दैट नॉवल, क्योंकि वो अपने उन सब मेमोरीज से कभी बाहर नहीं आ पा रहे थे। सो ही रोट दिस नॉवल आई टू हैड अ लव स्टोरी। आई टू हैड अ लव स्टोरी में उन्होंने स्टार्ट किया है नॉवल को एक्सप्लेनिंग द फन एंड द फन इंटरेस्टिंग इंजॉइंग लाइफ दैट ही हैड विद हीज फ्रेंड्स एंड हीज ब्रदर। द थिंग इज दैट कि यस ही वॉज रियली हैप्पी टू मीट हीज फ्रेंड्स who were from hostel. After leaving the college, वो अपने friends के साथ कभी मिले नहीं थे। So बहुत years बाद जब वो अपने friends से मिलने वाले थे, they were not planned so much. तो वो जब अपने चार friends मिलते हैं, इन चार friends में से एक रविंद्र सिंह खुद होते हैं, दूसरा होता है हैप्पी, तीसरा होता है अमरदीप और चौथा होता है मनप्रीत। सो ये चारों हॉस्टल फ्रेंड्स होते हैं और ये लोग हॉस्टल में एक साथ रहते थे एंड दे डिड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में इन्होंने एक साथ की थी और चारों अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जॉब्स के साथ थे। सो फ्रेंड्स, जब ये लोग एक साथ मिलते हैं, दे इंजॉय गुड फूड, गुड टाइम, और उसके बाद जब शाम को घूमने जाते हैं एक साथ बाइक पे, तो वो लोग एक गंगा का घाट पे जाते हैं। गंगा घाट में जाकर के वहाँ की शांति, वहाँ का वेदर, वहाँ का इतना सुंदर सा एटमॉस्फेयर उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि वो लोग कुछ सीरियस गॉसिप में एंगेज हो जाते हैं। इनमें से एक फ्रेंड अमरदीप इन चारों को बोलता है दैट अब लाइफ का वो स्टेज आ गया है जब हम लोग को फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए था। इन लोग की गर्लफ्रेंड्स होती है कि नहीं होती, इसके बारे में तो रविंद्र सिंह ने मेंशन किया है कि दैट दे नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ द स्टोरी। तो उन्होंने जस्ट सोच लिया कि वी विल स्टार्ट अ लाइफ कंप्राइजिंग ऑफ a wife and everything, a complete family, but they don't have that person in their life. So friends, ye idea just thoda din 5-10 minute ka baat hone ke baad ye idea band ho jata hai aur wo log sab apne friends milne ke baad return aa jate hain. But the thing is, ye baat Raveen ke strike karti hai ki उसको कुछ करना चाहिए इस चीज़ को लेके, और वो shaadi.com पे अपना एक बढ़िया सा प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद उनको एक क्लासिक टेस्ट की लड़की मिलती है जिसका नाम होता है खुशी। ना, खुशी इज़ अ गर्ल वर्किंग इन दिल्ली और हमारे रविंद्र सिंह ओडिशा में वर्क करते थे। सो फ्रेंड्स, दे मेट ऑन वेबसाइट कॉल shaadi.com और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे वो लोग मिलते हैं। एंड मैट्रिमोनियल वेबसाइट में वो लोग मिलने के बाद द थिंग इज़ दैट दे वो लोग एक साथ गॉसिप करना शुरू कर देते हैं एंड दैट गॉसिप मेक्स देम फॉल इन लव विद ईच अदर। और इस कदर उन लोग का प्यार बढ़ जाता है कि वो लोग हर एक लाइफ का मोमेंट अपने एक दूसरे के साथ बिताने का
सोच लेते हैं. एंड दिस इज वेयर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द नॉवल स्टार्ट्स व्हेन यू कम टू नो दैट हाउ मैड दे बिकेम इन ईच अदर्स लव. उसके बाद रविंद्र सिंह को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक न्यू काम के लिए ऑफर आता है. सो जब वो उस जगह पे जा रहे होते हैं उससे पहले वो लोग वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के खुशी से मिलते हैं. और जब वो खुशी से एक्चुअली मिलते हैं ही उसको इतना अच्छा लगता है दैट उसका जो प्यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मन में था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. और वो लोग तो शादी के बारे में सोच ही रहे होते हैं और वो जब रिटर्न आते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, खुशी से फिर से मिलते हैं. सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहा होता है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है, दोनों के बीच में लव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड दैट इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ द नॉवल एंड इट इज़ वर्थ रीडिंग. जो लव स्टोरी और जो डिटेल्स और जो एटमॉस्फेयर है नॉवल का व्हेन रविंद्र मीट्स विद खुशी इज ट्रूली अमेजिंग एंड इट इज़ वर्थ अ रीड. सो फ्रेंड्स, इसके बाद यही होता है कि दे डिसाइड टू एंगेज देमसेल्व्स विद ईच अदर. बट ये एंगेजमेंट उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से रविंद्र और खुशी ने कुछ सोचा था. द थिंग इज दैट कि खुशी वॉज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी क्वाइट गर्ल. एक बहुत नॉर्मल लड़की, जस्ट अ नॉर्मल गर्ल हु हैज हर सिंपल हैप्पीनेस, सिंपल स्माइल एंड एवरीथिंग ब्यूटिफुल इन हर सिंप्लिसिटी. एंड दैट वॉट मेक्स रविंद्र फॉल इन लव विथ हर. सो खुशी की इस सिंप्लिसिटी के कारण वो जब अपना इंगेजमेंट होने वाला होता है उससे पहले वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है. बट शायद कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसा ट्रैजिक मोमेंट आ जाता है लाइफ का कि रविंद्र सिंह जिस टाइम खुशी को एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाले होते हैं उस टाइम वो खुशी को आईसीयू के अंदर देखते हैं. सो द थिंग कि क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट दैट थिंग कि वो उसको जिस टाइम पे एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाला होता है उस टाइम उसको वो आईसीयू में देखता है. और उस टाइम उसको आईसीयू में देखने के बाद उसके जो मन का फीलिंग्स होता है एंड आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ हर लाइफ वो जब उसको जस्ट उसकी वो बहुत कंडीशंस उसके अच्छे होने वाले होती हैं खुशी के आईसीयू में रह कर के भी. बट जब वो अपने घर जाता है वापस अपने फैमिली को लेने के लिए, दिल्ली आने के लिए खुशी से मिलने के लिए, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि खुशी उसको छोड़ कर के हमेशा के लिए चली जाती है. एंड दैट वर्ड्स मेक द ट्रैजिक एंडिंग ऑफ द नॉवल. और ये ऑल द थिंग्स को इतना अच्छे से ब्लेंड करके इतने ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में लिखना इज़ व्हाट रविंद्र सिंह इज़ नोन अबाउट. सो फ्रेंड, इट्स अ वर्थ रीडिंग नॉवल एंड प्लीज़ डू रीड आई टू हैड अ लव स्टोरी बाय रविंद्र सिंह. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल कथा मंथन एंड प्लीज़ डू रीड इट.